सकता है, ये क्या कर रहे हो तुम? चलो हटो। क्यों? आइए आइए जनाब, आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में कपूर फैमिली के बारे में आपको सारी सच्चाई बताने वाले हैं। आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कैसे इन्होंने बॉलीवुड को आउटसाइडर के लिए नरक बना कर रखा है। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन पहले वीडियो को एक जोरदार लाइक तो कर दीजिए। कर दिया, शाबाश। दोस्तों सबसे पहले सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आपको पता है कि ये करीना कपूर और कपूर फैमिली के कुछ लोग बाहरी लोगों को बॉलीवुड में क्यों नहीं घुसने देना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि ये करीना कपूर क्यों कहती है कि आउटसाइडर किसी भी एक्टर को ये नहीं जानती है? आज हम आपको सच बताते हैं। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि करीना कपूर ने कई सारे शो में बाहरी एक्टर्स का मजाक उड़ाया है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आज हम आपको बताते हैं। बहुत साफ है, कपूर फैमिली में शायद ही कोई ठीक ठाक लेवल तक पढ़ा लिखा है, नहीं तो करीना कपूर को पता ही है कि वो कितनी पढ़ी लिखी हैं। वही हाल करिश्मा कपूर का भी है और वही हाल रणवीर कपूर का भी है। कोई भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे में नहीं लगता है कि अगर एक्टिंग के फील्ड में भी आउटसाइडर आ जाएंगे तो इनका क्या होगा, क्योंकि बचपन से तो इन्होंने सिर्फ डोमिनेट करना सीखा है, लोगों का मजाक उड़ाना सीखा है। ऐसे में अब जब आउटसाइडर आकर के अच्छा कर रहे हैं तब इनके होश ठंडे हो रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कैसे कोई बाहरी एक्टर बॉलीवुड में घुस रहा है और इनकी दुकान बंद हो सकती है, इसीलिए ये सबसे पहले बाहरी एक्टर्स पर हंसते हैं और उसके बाद उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। दुखी बात तो ये है कि इन सबके पास कुछ बिके हुए जर्नलिस्ट होते हैं जो कि इनके फेवर की खबरें चलाते रहते हैं। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि करीना कपूर के बेटे यानी कि तैमूर ने अब तक क्या किया है? उसके बचपने में और बाकी के बचपने में क्या अंतर है जो कुछ मीडिया वाले दिन रात तैमूर की खबरें छापते रहते हैं? दोस्तों आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि कपूर फैमिली अभी से ही इस बच्चे के लिए पीआर बना रही है ताकि आने वाले समय में इसी तरह से ये बच्चा भी पैसे छाप सके। अब मैं आज आपके सामने करीना कपूर की पोल खोली देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको करीना कपूर और फैमिली की वो काली सच्चाई बताने वाले हैं जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। करीना कपूर और शाहिद कपूर की प्रेम कहानी किससे छिपी है? दोनों ने एक दूसरे को करीब 3 साल तक डेट किया। इस कहानी की मजेदार बात ये थी कि करीना ने शाहिद को प्रपोज किया था और उन्हें मनाने के लिए उन्हें इतने मैसेज और कॉल किया था जिसके बाद शाहिद ने उन्हें हाँ कर दिया। दोनों पब्लिकली रिलेशनशिप की बात को स्वीकारते भी थे। इन दोनों के प्यार के बीच बवाल तब खड़ा हुआ जब करीना और शाहिद का MMS लीक हो गया। वायरल MMS में करीना और शाहिद लिप लॉक करते नजर आए थे। अब बात करते हैं भोली भाली लड़कियों को फंसा कर उनके साथ हसीन रातें बिताने वाले रणबीर कपूर की। जी हाँ, ये वाकई में रंगीले मिजाज के हैं और अब तो ड्रग्स के केस में भी इनका नाम लिया जा रहा है। इनके साथ भी कम विवाद नहीं रहे हैं। आइए जानते हैं इनके विवाद के बारे में। लेकिन रुकिए, वैसे आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो? किस गांव या फिर किस शहर से, बताइए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाद नंबर एक, जब सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण ने कॉफी विद करण में उड़ाया मजाक। सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में आकर तहलका मचा दिया था। इस शो पर दोनों ने अपने एक एक्स के बारे में बात की थी। दोनों ने रणबीर का काफी मजाक उड़ाया था। सोनम ने कहा, रणबीर मेरा दोस्त है लेकिन मुझे नहीं पता वो अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता है या नहीं। सच कहूं तो वो काफी अच्छा लड़का है, परिवार की इज्जत करता है। मैं रणबीर को हमेशा से जानती हूँ लेकिन एक बॉयफ्रेंड के तौर पर मुझे नहीं पता। इसने उसके साथ इतना लंबा समय बिताकर बहुत बड़ा काम किया है। वहीं दीपिका पादुकोण ने कहा था कि रणबीर को कंडोम के विज्ञापनों में काम करना चाहिए। इस एपिसोड के बाद रणबीर ने सोनम कपूर को ड्रामा क्वीन बता दिया था। विवाद नंबर दो, सलमान की बहन की शादी में नहीं किया गया आमंत्रित। जी हाँ, सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा की शादी हैदराबाद में हुई थी और उस समय खबर आई थी कि रणबीर कपूर को शादी में नहीं बुलाया गया था, लेकिन सलमान खान ने अपने एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ को शादी में आने का न्योता दिया था। इसके बारे में कहा गया कि सलमान और रणबीर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और सलमान अभी भी रणबीर से गुस्सा है। विवाद नंबर तीन, जब रणबीर ने मानी रिश्ते में धोखा देने की बात। दोस्तों रणबीर ने अपने ब्रेकअप के बाद ये बात मानी थी कि वो लॉयल नहीं थे। उन्होंने कहा, हाँ मैंने एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कई बार ऐसी चीजें की हैं जो सही नहीं थी। आपको ये बातें बाद में समझ आती हैं और आप उनकी अहमियत समझने लगते हो कि एक रिश्ते में होने का मतलब क्या होता है। अगर आप एक इंसान के साथ उसके होकर नहीं रह सके तो आपको रिश्ते में ही नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।